हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमन ढाका चैनल में। तो फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर करने जा रही हूँ वो वीडियो है, जो रेसिपी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है, क्योंकि ये रेसिपी जो मैं बना रही हूँ ये बना रही हूँ रात की बची हुई रोटियों से। तो फ्रेंड्स, रात की बची हुई रोटियों से जो ये मैंने लड्डू बनाए हैं, तो कैसे बनाए हैं वो मैं आपको वीडियो में बताऊँगी। बट फ्रेंड्स, ये जो लड्डू हैं ये खाने में बहुत ही टेस्टी तो है ही हैं, उसके साथ में ये हेल्दी भी हैं, क्योंकि ये गेहूँ के हैं लड्डू और इसमें घी भी है, देसी घी। तो ये इनको आप बनाओ तो आप सिर्फ देसी घी में ही बनाइए। तो फ्रेंड्स, चलिए आपको मैं बताती हूँ कि कैसे बनेंगे। तो देखिए, मैंने ये रात की बची हुई चार रोटियाँ ली हैं, जिनको मैंने घी लगा के ही मैं नॉर्मली रखती हूँ रोटियों को रात में। तो देखिए, इनको ये इन रोटियों को हमें क्या करना है, इनको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेना है। तो मैं इनको सब सारी रोटियों को अच्छे से तोड़ लेती हूँ और इनके छोटे छोटे पीसेस कर लेती हूँ, ताकि ये अच्छे से आराम से मिक्सी के अंदर जो है वो पीस सके। तो आप जितना आपसे हो सके उतने छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए, बाकी आप इनको हाथ से ऐसे प्रेस करके भी तोड़ सकते हो, क्योंकि ये आसानी से टूट जाती हैं। इनमें घी लगाया हुआ है तो नरम है रोटियाँ, ये आसानी से टूट जाएंगी। तो ऐसे करते हुए मैं इन सारी रोटियों को तोड़ लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी रोटियों को तोड़ लिया है, ये आराम से आसानी से इनका चूरा हो गया है। अभी हमें क्या करना है, एक मिक्सी का जार लिया है, उसके अंदर हम इसको डालेंगे और इसका हम फाइन सा पेस्ट पाउडर बना फाइन सा पीस लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी रोटियां जो हैं वो जार के अंदर डाल दी हैं। तो चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ इसको पीसने के बाद में। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनको मिक्सी के जार में डाल के और अच्छे से रोटी को बिल्कुल बारीक सा पाउडर सा बना लिया है, जितना हो सके उतना बारीक आप इसको पीस लीजिए। तो देखिए, मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया है और इधर मैंने कढ़ाई में एक चम्मच घी का डाला है, जो ये चम्मच आपको दिख रहा है यही चम्मच मैंने एक देसी घी का डाला है। और घी हमारा गर्म हो गया है और ये जो चूरमा मैंने बनाया था जार में वो सारा मैं इसके अंदर डाल दूंगी। तो और गैस से हमारी ऑन है, घी गर्म है, तो उसके अंदर मैंने चूरमे को डाल दिया है। और अभी हमें क्या करना है, जो घी है वो चूरमा जब तक उसके अंदर पूरा अच्छे से मिक्स ना हो जाए तब तक हम इसको गर्म कर लेंगे। हमें इसको ज़्यादा गर्म नहीं, ज़्यादा हमें पकाना नहीं है, क्योंकि रोटियाँ हमारी ऑलरेडी पकी हुई हैं। सिर्फ हमें इसको इतना करना है कि घी पूरा, रोटियाँ पूरी घी को सोख ले, बस इतना चलाना है। तो देखिए, मैं कंटिन्यू इसको चलाते हुए सारा जो घी है वो पूरा मिक्स हो गया है और ये हमारा अच्छे से भुन गया है। तो अभी हमें क्या करना है, इस चूरमे को मैं एक प्लेट में निकालूंगी, क्योंकि हमें इसको हल्का सा ठंडा करना है। तो इसलिए मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और प्लेट में निकालने के बाद में इसको थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी। ज़्यादा ठंडा नहीं करना है फ्रेंड्स, इसको हल्का सा ठंडा करना है। और अभी मैं इसके अंदर डाल दूँगी चीनी। तो चीनी मैं इसमें ये मैंने खांड लिया है, इसको तगार भी बोलते हैं, तो ये थोड़ी सी मोटे दाने की होती है। तो ये मैंने एक कटोरी खांड की ली है, इसमें मैं एक कटोरी हमारा के लगभग हमारा चूरमा है, तो मैं इसमें आधी कटोरी डालूंगी, आप इसमें कमी या ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने खांड डाल दी है और इसको मैं मिक्स कर दूंगी। फ्रेंड्स, आप इस यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं बारीक बारीक काट के, बट मैं ड्राई फ्रूट्स नहीं डाल रही हूँ, मैं विदाउट ड्राई फ्रूट्स के बना रही हूँ। तो देखिए, मैंने खांड को डाल दिया है और चूरमे को मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी, ताकि ये जो खांड है वो पूरी अच्छे से मिक्स हो जाए चूरमे में। तो ये देखिए, मैं ऐसे हाथ से आराम से आसानी से हो जाता है, चम्मच से इतना हो नहीं पाता है। तो देखिए, पूरा मिक्स हो गया। अभी क्या करना है, हम इसके बना लेंगे लड्डू। तो देखिए फ्रेंड्स, लड्डू आसानी से बन रहे हैं, क्योंकि इसमें घी है और खांड है और रोटियां जो हैं वो अच्छे से गर्म होके पक गई थी, इसलिए देखिए आसानी से लड्डू बन रहे हैं। बस हल्का हल्का सा प्रेस कर रहे हैं तो लड्डू आसानी से बन रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, तो मैं आपसे मिलती हूँ इसके सारे के लड्डू बनाने के बाद में। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं ये इसके मैंने लड्डू बना लिए हैं, इसके चार लड्डू बने हैं, चार रोटियां थी तो चार लड्डू बन गए हैं इसके। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही टेस्टी, देखिए कितने प्यारे लड्डू बने हैं। तो इसको थोड़ा सा आप प्रेस करोगे तो बहुत ही आसानी से जॉइंट हो जाते हैं ये, क्योंकि हमारी जो रोटी है वो पकी हुई है और इसके अंदर खांड है और घी है, तो ये आराम से लड्डू बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये बची हुई रोटियों का लड्डू की रेसिपी जो है वो कैसी लगी, वो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और प्लीज़ फ्रेंड्स शेयर करना। और अगर आप चैनल पर न्यू हो, फर्स्ट टाइम आए हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर
करना और बेल आइकन प्रेस करना ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मैं आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपीज के साथ एक बार फिर मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।